हर साल की तरह इस साल भी रफीक भाई ले आए हैं विंटर उत्सव मेला हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन जिमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद। तेलंगाना में पहली बार रोबोटिक्स एनिमल्स के साथ विंटर उत्सव मेला, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, शॉल, साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कलकत्ता ड्रेस साड़ीज और बंगाली कॉटन, इमिटेशन और फैंसी ज्वेलरी, डेकोरेटिव आइटम्स, प्लास्टिक हाउस होल्ड झूले और चटपटी कबाब और वेजिटेरियन गजाओं के साथ तफरी का मजा लीजिए। साथ ही वर्ल्ड नंबर वन पिस्ता हाउस हलीम खाइए और मस्खती आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होइए। तशरीफ लाइए 200 स्टॉल्स लिए हुए विंटर उत्सव मेला हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन जिमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद। अरे खाली कोचों को बेटा पानी बाकी नीचे। मेरा नाम योगेश पहलवान, ओम वैमशाला लल्लू उस्ताद, बेगम बाजार, श्री सनातन धर्म सभा भवन में ये दंगल का आयोजन किया गया और अंदर 15 सिलेक्शन ट्रायल है। ये डिस्ट्रिक्ट कब स्टार्ट हुआ साहब? ये सुबह 9 बजे दंगल चालू हुआ भाई, और ये दंगल है जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर रेसलिंग की तरफ से होता। वो लोग हमारे अब के हमारी तालीम को अवसर मिला, हम लोग उसको अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और आगे से बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। हमारे पास 15 साल के बच्चे हैं, यहाँ हमारे पास सिर्फ 15 साल के बच्चे 15 साल की बच्चियों का है ये टूर्नामेंट, मेन वुमेन ये दोनों का टूर्नामेंट है। ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑर्गेनाइजर ओम चाला लल्लू उस्ताद की तरफ से ऑर्गेनाइजर का किया गया जो दंगल है। कितने बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है लल्लू उस्ताद के पास? से 60 बच्चे आते हैं रोज सुबह शाम के, मेहनत करने के अलग आते हैं, कुश्ती के अलग आते हैं, कम से कम 100 बच्चे आते हैं हमारे पास रोज तालीम में उसको।